अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। मित्रों, बहुत बहुत बधाई मनोज कामदेव जी के लिए। दोहा संग्रह के आज का विमोचन हुआ है और जो भी मंच पर विराजमान है सबको मैं नमन करता हूँ। बड़ी बड़ी हस्तियाँ मौजूद हैं। क्योंकि दोहा संग्रह का विमोचन हुआ है इसलिए मैंने एक दोहा मौके पे दोहा मैंने लिख लिया था। नोटबंदी जब हुई थी, जब लोग परेशान थे, तो वो एक दोहा, उसके बाद मैं गज़लकार हूँ, गज़ल लिखता हूँ, मुक्तक लिखता हूँ। एक दोहा कृपया सुन लें कि ए टी एम खाली हुए जनता मांगे कैश, एटीएम खाली हुए जनता मांगे कैश और पीएम मोदी ले रहे दूर देश में ऐश। जो मोदी भक्त थे उस वक्त परेशान हो गए। मैंने कहा भी मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूं, तो जैसी स्थिति होती है, हालांकि ऐसे दोहों की कोई लाइफ नहीं होती, इनका कोई जीवन नहीं होता, लेकिन लिखने पड़ जाते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। और आइए, पिता पे मैंने एक शेर कहा है, बहुत माँ पे बहुत शेर हो जाते हैं, पिता पे भी मैंने एक शेर कहा है। जल्दी से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वरक जैसी चमक किरदार में यूं ही नहीं आई। चेतन भाई बैठे हैं, बहुत अच्छे गजलकार हैं, हमारे मित्र भी हैं। कि वरक जैसी चमक किरदार में यूं ही नहीं आई, वरक जैसी चमक किरदार में यूं ही नहीं आई, हमें इंसान बनाने को पिता ने खूब कूटा है, हमें इंसान बनाने को। पहले ज़माने में पीटते थे, आजकल तो टीचर भी डरते हैं कि रिपोर्ट ना हो जाए। हमें इंसान बनाने को पिता ने खूब कूटा है। और देखिए चार पंक्तियाँ, कि बिछुड़ने का बहाना चाहता है, बिछुड़ने का बहाना चाहता है, वो मुझसे दूर जाना चाहता है, बिछुड़ने का बहाना चाहता है, वो मुझसे दूर जाना चाहता है, गले कुछ इस तरह मुझसे मिला है, गले कुछ इस तरह मुझसे मिला है, वो जाके फिर ना आना चाहता है। वो गले मिलने से पता लग जाता है, गले मिलने से पता लग जाता है, गले कुछ इस तरह मुझसे मिला है, वो जाके फिर ना आना चाहता है। लीजिए मैं सीधे सीधे गजल की तरफ आ रहा हूँ कि उठ रहा तूफान मेरे दिल के अंदर दोस्तों, उठ रहा तूफान मेरे दिल के अंदर दोस्तों, जान ही लेकर रहेगा ये बवंडर दोस्तों, जान ही लेकर रहेगा ये बवंडर दोस्तों। शेर पेश है कि हाथ खाली जाएंगे दुनिया से सब ये देखकर, हाथ खाली जाएंगे दुनिया से सब ये देखकर, मार डाला मैंने अंदर का सिकंदर दोस्तों, मार डाला मैंने अंदर का सिकंदर दोस्तों, मार डाला। और एक शेर देखें कि नाच अपना छोड़कर मुझको नचाने लग गया, नाच अपना छोड़कर मुझको नचाने लग गया, बन गया मेरा मदारी मन का बंदर दोस्तों, मन का खेल है, बन गया मेरा मदारी मन का बंदर दोस्तों। और एक शेर इसमें और देखें कि तोड़कर रिश्तों का बंधन मुक्त क्यों होते नहीं, तोड़कर रिश्तों का बंधन मुक्त क्यों होते नहीं, कह रहा है बारहा मुझसे कलंदर दोस्तों, कह रहा है बारहा मुझसे कलंदर दोस्तों। और गजल का ये आखिरी शेर है कि क्यों, इसमें पर्यावरण का जिक्र है, नदियां हम समंदर गंदे कर रहे हैं, उसका जिक्र है कि क्यों करी गद्दारी मुझसे खा के मेरा ही नमक, क्यों करी गद्दारी मुझसे खा के मेरा ही नमक, पूछता है हमसे ये गंदला समंदर दोस्तों, पूछता है हमसे ये गंदला समंदर दोस्तों। बंबई चले जाओ, पुरी चले जाओ, कितना बुरा हाल है समुद्र का, जो वहीं फेंक रहा है नारियल पानी वहीं उसका कम। तो ये तब शेर हुआ इसी का, तो उठ रहा तूफान मेरे दिल के अंदर दोस्तों, जान ही लेकर रहेगा ये बवंडर दोस्तों, ये बवंडर दोस्तों। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेषकर मनोज कामदेव जी का। इन्होंने मैसेज किया कि आना है, तो मैं फिर अपने को रोक नहीं पाया। सुभाष चंद्र जी आ रहे थे, और अपने रामकिशोर उपाध्याय जी जो कि हमारे रेलवे से हैं, इनसे भी मिलने का मेरा मोह था। सभी से दर्शन हुए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें।